सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पावर लिफ्टर्स में। तो आज की अपनी पहली एक्सरसाइज, यानी आज की एक पहले हफ्ते की दूसरे दिन की एक्सरसाइज है मेरी बैक की एक्सरसाइज, जिसकी पहली एक्सरसाइज मैं शुरू कर रहा हूँ वाइड ग्रिप पुल डाउन के साथ, जिसके मैंने 3 सेट्स किए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने अपनी सभी जिम की एक्सरसाइजों का नेम लिखा है, उनके सेट्स, उनकी रेप्स, उनकी वेट, उनका कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया है। ये अपनी इस एक्सरसाइज की लास्ट सेट है, जो कि मैं बोलकर ही आपको बताऊंगा। इसके बाद मेरी इस हफ्ते की दूसरी एक्सरसाइज की, दूसरे वर्कआउट की दूसरी एक्सरसाइज आ रही है, जिसका नेम क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन है, जिसको आप देख सकते हो कैसे परफॉर्म की जाती है। इसके भी मैंने 3 सेट्स किए हैं, जो कि काफ़ी सही वेट के साथ मैंने परफॉर्म किया है। अगर किसी भी एक्सरसाइज में मेरी कोई भी कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर ज़रूर जाना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अपनी दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा सेट, जिसको आप परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। ये बीच में स्टिकर आते हैं, ये मैंने लगाए हुए हैं। अगर इनसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, जिससे मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस को। और मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएं। ये बीच में कुछ छेड़छाड़ करने वाले मेरे दोस्त हैं, जिनको आप इग्नोर कर सकते हो। ये मेरी बैक एक्सरसाइज की तीसरी एक्सरसाइज है, जिसका नेम सीटेड रो मशीन है। ये सीटेड रो मशीन का पहला सेट है, इस एक्सरसाइज के बैक इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इम्प्रूव मिलता है। ये इस एक्सरसाइज का दूसरा सेट है, जिसको भी मैंने काफ़ी लाइट वेट से ही परफॉर्म किया है, इससे इंजरी के चांस भी कम रहते हैं। और आगे आने वाली और भी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, जो कि आप इग्नोर करना भी नहीं महसूस करेंगे। ये अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, एंड इसके बाद अपनी चौथी एक्सरसाइज आती है, जिसको मैंने सिंगल आर्म स्टैंडिंग केबल रो की मदद से किया है। अगर कोई भी एक्सरसाइज मैंने गलत की हो तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मेरी एक्सरसाइज में सुधार भी होगा। इसके भी मैंने 3 सेट्स किए हैं पूरे, जिसको आप देख सकते हो। अगर मैंने कोई एक्सरसाइज पहले या बाद में की हो तो प्लीज़ उसको भी बताएं मेरे को, जिससे मैं कोई एक्सरसाइज को आगे पीछे ना करूं और आपको इन्फॉर्म देने के लिए कोई गलती ना हो जाए मुझसे। ये मेरी इस एक्सरसाइज का दूसरा सेट है। इसके बाद अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल सेट आएगा, जो कि आप मुझे करते हुए देख सकते हो। अगर वेट थोड़ा सा डिक्रीज है तो आप अपने दूसरे हैंड का हेल्प अपने नी के थ्रू ले सकते हो, जिससे आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है आगे पुश होने के लिए।
तो इसके बाद अपनी चौथी पांचवी एक्सरसाइज आती है जिसका नेम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन है, जिसको भी आप मुझे करते हुए देख सकते हो। इसको भी मैंने थोड़ा सा 20 से 30 केजी के अराउंड ही लिया है। इससे राउंड ऑफ मोशन मेरा हार्ड बनता है एंड जो बैक में इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इस जिम में काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट हैं जिससे अपनी बॉडी को करने में फुल हेल्प मिलती है। आप भी जिम में एंट्री ले सकते हो। उसकी डिटेल मैं आपको किसी दिन कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। इसके भी मैंने पूरे 3 सेट्स किए हैं। आगे आने वाली और भी वीडियो काफ़ी मज़ेदार होंगी। ये अपनी बैक वर्कआउट का छठा एक्सरसाइज है जिसका नेम वन आर्म लेट पुल डाउन है। इसको एक हाथ से किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो मेरी बैक में कितना इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। जो वाइड बैक है, वाइड बैक निकलती है वो इसी के थ्रू ज़्यादा इम्प्रूव निकलती है। आप कभी ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आगे और भी आने वाली वीडियो जैसे शोल्डर वर्कआउट, बाइसेप्स वर्कआउट, ट्राइसेप्स वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट की फुल वीडियो भी आगे आएंगी। उनको आगे आप देख सकते हो। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस डली हैं, उनको भी आप पहले देख सकते हो जाकर। जो नए व्यूअर्स आए हैं उनके लिए एक धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये अपनी इस वर्कआउट की छठी एक्सरसाइज का दूसरा सेट है। कभी कभी मेरी जवान भी लड़खड़ा जाती है बोलने में, क्योंकि अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे आगे चलूँगा मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ये अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, जिसको देखो करते करते मेरी वाइड बैक कितनी ग्रोथ हो गई इन 3 एक्सरसाइज में। इसके बाद मेरा एक छोटा सा वार्म अप आएगा जिसको मैंने स्ट्रेच अपनी बैक का स्ट्रेस कम करने के लिए लिया था। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप बीच में ले भी सकते हो, शुरू में भी ले सकते हो। मैंने शुरू में वार्म अप भी किए थे, स्ट्रेचिंग भी की थी, जो जिसकी भी मैंने वीडियो अभी डाल नहीं पाई है उसके लिए दिल से सॉरी। ये मेरी इस बैक वर्कआउट का लास्ट एक्सरसाइज है जिसको बारबेल डेडलिफ्ट या डेडलिफ्ट भी बोल सकते हैं। इसको मैंने शुरू काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। इसके भी मैंने 3 सेट किए हैं। इसके पहले सेट का वेट लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसके पहले सेट का वेट 40 केजी। इसके मैंने 10-12 एप्स किए हैं। इसके दूसरे सेट का वेट 60 केजी। इसको भी आप परफॉर्म करते हुए मुझे देख सकते हो। ये मेरी बैक एक्सरसाइज का एंड डेडलिफ्ट का आखिरी सेट है जिसको मैंने 80 केजी से परफॉर्म किया है। अगर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया हो तो इस एक्सरसाइज यानी डेडलिफ्ट को प्लीज़ एक लाइक देके ज़रूर जाना, जिससे मुझे आगे और भी एक्सरसाइज की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। एंड मेरी एक्सरसाइज अभी ख़त्म होती हैं। आपका दिल से थैंक यू जिसने भी पूरी फुल वीडियो देखी हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड एक कमेंट करके ज़रूर जाएं।
जिससे मुझे आगे जाने के लिए मोटिवेशन ज़रूर मिली। एंड थैंक यू फॉर माई चैनल।